मैम अगला सवाल। कैन यू हियर मी? यस मैम। सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसमें मेरे पास 1000 शेयर है 211 रुपए पर, तो इसका क्या करें? ये लॉस होता जा रहा है काफी, इसमें कभी उठेगा? 1000 शेयर एकमुश्त लिए थे, ये भी गिरावट में एक्यूमुलेट हुआ था। ये वन टाइम बाय है, ये किसी की मान ली थी मैंने बात जो कि नहीं माननी चाहिए थी। ठीक है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज राजेश सर, कुछ हरकत में ऑफ लेट आया है। मेरे ख्याल से थर्सडे को 10-10.5% का उछाल आया था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के जो अपडेट्स आए थे इसकी कंपनी की तरफ से, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि औसतन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, और अब तो हम वो समर पीक समर डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ होप है IEX में? मेरी खरीद से 60 रुपए अभी भी नीचे चल रहा है, और ये वो स्टॉक था एक टाइम पे मोनोपोली कंपनीज, आपको याद होगा, एक साथ सारे के सारे दौड़े थे। क्या रीरेटिंग हुई थी? कोई कैम्स, कोई BSE, कोई IEX, IRCTC, लंबी लिस्ट थी इस तरह की मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस की, सब ठंडे पड़े हुए। राजेश सर क्या करूं इसमें, 60 रुपए लॉस में हूं। देखिए, मुझे लगता है कि फंडामेंटली साउंड कंपनी है, इस लेवल्स पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव कहा जा सकता है। पीक पावर डिमांड बढ़ने वाली है, CERC ने भी कहा है कि जो अभी गर्मी के मौसम आएगा उस करीब 5-6% के आसपास पावर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, और इससे जाहिर सी बात है कि IEX जैसे एक्सचेंज जो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस कारोबार में, इनको फायदा होगा। पिछले 2 महीने थोड़े से खराब नंबर्स आए थे, डिमांड उतनी देखी नहीं गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। 215-220 जो इनके खरीद है वहाँ तक जाता हुआ तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन 6-9 महीने में हमारा अनुमान है ये 175-180 तक जा सकता है।